नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ चैत्र नवरात्रि के अष्टम दिन माता महागौरी की पूजा विधि विधान से की गई। नगर के चौक स्थित दक्षिणमुखी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग पूजा अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के अष्टम दिन माता महागौरी की पूजा की गई। मान्यता है कि इस विशेष दिन माता महागौरी की पूजा करने से साधकों को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो व्रती पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं वे महाअष्टमी को व्रत रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को 9 दिनों की पूजा का फल प्राप्त होता है। चैत नवरात्रि 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही चौक स्थित दक्षिणामुख देवी मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान माता का भव्य श्रृंगार भी किया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अष्टमी के दिन माता का भव्य श्रृंगार किया गया है। सुबह से श्रद्धालुओं की मंदिर में लगी हुई है। लोग पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आज नवमी का जो है विशेष श्रृंगार अष्टमी का यहाँ होता है माता रानी का, और आज महागौरी के रूप में माता का श्रृंगार हुआ है। सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है जो निरंतर अभी चल रहा है। मंदिर सुबह जो है 4 बजे ही खुल जाता है और रात में 11 बजे बंद होता है। आज क्या महत्व है, आज क्या क्या होते हैं? महागौरी के विशेष श्रृंगार में उनका विशेष भोग लगाया जाता है, महाआरती होती है, आरती उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। महागौरी के रूप में माँ का पूजन अर्चन करने से जो है विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है माता। लोग अब इसके बाद लोग रात को रात में पूजा करेंगे घर में जाकर? हाँ, रात को जो है पूरे धूमधाम से नवमी का पूजा किया जाएगा। और माता और बहनों से विशेष अनुरोध है कि मंदिर परिसर में जो है जो हलवा और पूरी चलाती हैं उस पर धार अनावश्यक पानी का प्रयोग न करें, ताकि उसको जो है गरीबों और सेहतमंदों को दिया जा सके और वो उन्हें खाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।